हेलो हेलो स्टूडेंट्स, स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है। हाँ जी, आपकी पार्टिसिपेशन दिन ब दिन कम ही होती जा रही है। इतने कम स्टूडेंट लेक्चर लेते हैं। सर मेरे ना इसलिए हमने लास्ट में बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, लास्ट लेक्चर में बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की, दो डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी उनसे रिलेटेड। तो एक और भी इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन कह लें, देखिए ये भी एक और बुक से मैंने कॉपी की हुई है, इसको पढ़ें। अगर एक्स वाई दो हमारे पास नॉर्म स्पेसिस हो और टी डोमेन ऑफ टी से वाई तक लीनियर ऑपरेटर हो, वाई डोमेन ऑफ टी कंटेन इन एक्स, देन ऑपरेटर टी इज सेट टू बी बाउंडेड इफ देयर इज अ रियल नंबर सी, एक नंबर सी एग्जिस्ट कर सकता है, दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी, टी ऑफ एक्स नॉर्म इज लेस और इक्वल टू सी टाइम्स एक्स नॉर्म। मतलब इट मींस डोमेन के तमाम एलिमेंट्स पे उनकी इमेजेस का नॉर्म लेस और इक्वल टू हो उन्हीं पॉइंट्स की प्री इमेजेस के नॉर्म के मल्टीप्लाइड बाय सम फिक्स नंबर सी। अगर ऐसा नंबर अवेलेबल है कि हमारे पास किसी भी डी के डोमेन ऑफ डी के एलिमेंट के लिए ये वाली इनक्वालिटी होल्ड करती है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास डी जो है वो बाउंडेड है। इसी तरह ये इसकी जरा स्मॉलेस्ट वैल्यू वैल्यू के बारे में बताया गया है। इस पे इतना हमारा फोकस नहीं है, हम चाहते हैं ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की इसी डेफिनेशन को इस फॉर्म में भी बयान किया जाता है कि अगर हम टी का नॉर्म लेते हैं तो टी का नॉर्म हमारे पास इस तरह से डिफाइंड होता है। सुप्रमम यानी एक है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन, एक है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर का नॉर्म। तो नॉर्म होता है टी ऑफ एक्स नॉर्म ओवर एक्स नॉर्म फॉर ऑल दूस एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी व्हिच आर नॉट इक्वल टू 0, देन टेक देयर सुप्रमम, देन दिस इज कॉल्ड द टी नॉर्म। टी नॉर्म इज कॉल्ड अ नॉर्म ऑफ एन ऑपरेटर टी। अच्छा टी एक्स, अगर तो ये भी एक कंडीशन है बाउंडेड होने की कि अगर टी एक्स नॉर्म हमारे पास लेस और इक्वल टू आ जाए टी नॉर्म एक्स नॉर्म के, तब भी हमारे पास टी बाउंडेड होगा। यहाँ पे टी नॉर्म जाहिर है किस चीज़ का नॉर्म जो होता है वो एक रियल नंबर होता है, पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि नॉर्म इज अ फंक्शन जो कि एक लीनियर स्पेस से आर में जाके गिरता है। तो अगर ऐसा भी आ जाए तो इसको हम भी सी के तौर पे सपोज कर सकते हैं। सो दिस आल्सो शोज कि टी इज बाउंडेड। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की एक नीचे डेफिनेशन दी जा रही है कि एक लीनियर ऑपरेटर, ये सारी एक की ही इनडायरेक्ट फॉर्म्स हैं हमारे पास, अ लीनियर ऑपरेटर टी फ्रॉम एन टू एम इज सेट टू बी बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ टी नॉर्म इज फाइनाइट। यानी अगर किसी ऑपरेटर का, लीनियर ऑपरेटर का हम नॉर्म निकालें, नॉर्म की हमने दो डेफिनेशन पढ़ी थी, एक हमारे पास थी सुप्रीमम ऑफ टी एक्स नॉर्म ओवर एक्स नॉर्म एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ टी एक्स नॉट इक्वल टू 0, और एक थी सुप्रीमम ऑफ टी एक्स नॉर्म एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ टी विद रिस्ट्रिक्शन एक्स नॉर्म इज इक्वल टू 1। और हमने ये भी प्रूव किया था ये दोनों डेफिनेशंस आपस में इक्विवेलेंट हैं, एक से हमने दूसरी निकाल सकते हैं और दूसरी से पहली। तो अगर हमारे पास किसी ऑपरेटर का नॉर्म निकाल लिया जाए और वो फाइनाइट निकले, तब भी हम कहते हैं कि ऑपरेटर बाउंडेड होता है। तो ये हमारे पास दो तीन डेफिनेशंस अवेलेबल हैं, इनके मुताबिक हम कुछ ऑपरेटर्स के नॉर्म भी निकालते हैं और उनको बाउंडेडनेस के लिए चेक भी करते हैं। जैसे हम लास्ट पेज पे देख सकते हैं, ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर, पहले इसका नॉर्म निकाला गया है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, जो जिस एलिमेंट पर अप्लाई होता है उसी को आंसर करता है। आई एक्स फ्रॉम एक्स टू एक्स ऑन नॉर्म स्पेस एक्स विच इज नॉट इक्वल टू 0 इज बाउंडेड, बाउंडेड भी है और इसका नॉर्म भी निकाला गया है। तो आई ऑफ एक्स नॉर्म इज इक्वल टू एक्स नॉर्म, क्यों पहले तो है कि हमें पता होना चाहिए कि आई की डेफिनेशन क्या होती है आइडेंटिटी ऑपरेटर की, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो आई एफ एक्स का नॉर्म इक्वल होगा एक्स के नॉर्म के, और इसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स नॉर्म। तो
तो मीन हम यहाँ से इसी क्वेश्चन से देखें तो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की एक डेफिनेशन ये भी थी टी ऑफ एक्स नॉर्म इज लेस और इक्वल टू सी टाइम्स एक्स नॉर्म एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स डोमेन ऑफ टी. तो यहाँ पे आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन टाइम्स एक्स नॉर्म. तो लेस और इक्वल टू का मतलब होता है अगर लेस आ जाए तो फिर भी ट्रू है, अगर इक्वल आ जाए तो फिर भी ट्रू है, अगर या कुछ एलिमेंट्स पे लेस आ जाए कुछ पे इक्वल आ जाए. तो ये आ रहा है आई ऑफ एक्स नॉर्म इज इक्वल टू मीन में लिख सकते हैं दिस इज लेस और इक्वल टू वन टाइम्स एक्स नॉर्म एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स विच इज द डोमेन ऑफ आई. सो आई इज बाउंडेड बाय द डेफिनेशन ऑफ अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर. नाउ हम पहले प्रूव कर चुके हैं पहले एग्जांपल्स में लीनियर के टॉपिक में कि ये आई ऑपरेटर जो होता है वो लीनियर होता है. अब इसका नॉर्म निकाला गया है तो आई नॉर्म इज इक्वल टू आई एक्स नॉर्म ओवर एक्स नॉर्म सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो. सो आई ऑफ एक्स का यहाँ पे इमेज आंसर लेते हैं क्योंकि आई जब एक्स पे अप्लाई होता है तो एक्स ही आंसर देता है. सो इज इक्वल टू एक्स नॉर्म ओवर एक्स नॉर्म ये वन आ गया और वन पे सुप्रीमम अप्लाई होगी तो चेंज नहीं करेगी उसको. सो आंसर इज वन. सो ये हमारे पास एक तो आइडेंटिटी ऑपरेटर बाउंडेड है, दूसरा उसका नॉर्म वन के इक्वल है और नीचे वाली कंडीशन भी बाउंडेड के लिए बताई जा सकती है क्योंकि आई ऑपरेटर का नॉर्म वन के इक्वल आ रहा है और वन फाइनाइट है. अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि अगर किसी लीनियर ऑपरेटर का नॉर्म फाइनाइट आ जाए तो उसको भी हम बाउंडेड कहते हैं. नेक्स्ट जीरो ऑपरेटर. जीरो ऑपरेटर जो एक्स के जिस भी एलिमेंट पर अप्लाई होगा उसको वाई के जीरो एलिमेंट में शिफ्ट कर देगा. आई ओ इज एन ऑपरेटर फ्रॉम एक्स टू वाई बिकॉज ओ इज अ जीरो ऑपरेटर. सो when it applies on the elements of x giving the answer zero vector of y. So ye zero operator ka norm liya gaya which is equal to ye yahan pe kuch nazar nahi aa raha lekin ye understood hai yani ye hoga supremum x belongs to domain of t x not equal to zero o of x norm over x norm aur o of x kyunki zero hoga to zero ka norm zero aayega zero or something is zero to iska answer aa jayega zero. तो ये जीरो या ऑपरेटर जो है जिसको उसे शो किया गया है इसका नॉर्म क्योंकि जीरो आ रहा है और जीरो फाइनाइट नंबर है. सो क्योंकि ऑपरेटर का नॉर्म एक तो जीरो हमने बता दिया, नंबर टू उसके फाइनाइटी ये बता रही है कि ये बाउंडेड होगा. नेक्स्ट पेज पे वही एप्लीकेशन हमारे पास एक्सप्लेनेशन है जो हमने पहले बताई डेफिनेशन है नॉर्म वगैरह की और इसके आगे डिफ्रेंशिएशन ऑपरेटर है. ये बड़ी यूनिक एग्जाम्पल है और हमारे पास क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर लीनियर होता है लेकिन ये बाउंडेड नहीं होता, इसलिए अगर कहीं कभी भी आपसे कोई ऐसी एग्जांपल पूछी जाए कि ऐसा ऑपरेटर बताएं जो कि लीनियर हो लेकिन बाउंडेड ना हो तो वन ऑफ एग्जांपल इज डिफरेंशिएशन ऑपरेटर. लेट एक्स बी अ नॉर्म स्पेस ऑफ ऑल पॉलीनोमियल्स डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल जे फ्रॉम जीरो टू वन विद नॉर्म गिवन बाय एक्स नॉर्म इज इक्वल टू एक्स टी मॉड मैक्स and t belongs to j which is equal to 0 to 1 closed interval. तो जिस भी एलिमेंट का यानी पॉलीनोमियल का आपने नॉर्म लेना है वो हमारे उसकी हमारे पास t j इंटरवल के हर एलिमेंट पे वैल्यू लें यानी एक्स टी लें और उसका उस पर उसकी वैल्यू निकालें उसका मॉड लें और उनमें से जो मैक्सिमम है वो हमारे पास पॉलीनोमियल का हमारे पास नॉर्म कहलाएगा. यहाँ पे x पॉलीनोमियल के तौर पे यूज हो रहा है यानी x या x t एक पॉलीनोमियल है और उसके तो इसका नॉर्म डिफरेंशिएशन ऑपरेटर t इज डिफाइंड ऑन x बाय डिफरेंशिएशन ऑपरेटर को कैसे अप्लाई करते हैं यानी उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं. जिस भी पॉलीनोमियल पर अप्लाई करें उसका डेरिवेटिव d ऑफ x t t ऑफ x t मींस x डैश t x डैश मीन डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ t. दिस ऑपरेटर इज लीनियर बट नॉट बाउंडेड. लीनियरिटी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहां उसको रिपीट नहीं किया जा रहा. सो हियर वी आर ट्राइंग टू प्रूव इट इज not bounded. Let x and t is equal to tn. tn ये भी एक कुछ polynomials की हमने एक form ली tn types के यानी जैसे हमारे पास x square होता है तो यहाँ t variable है तो हमारे पास t raised to power n हमारे पास जो है वो polynomial है n belongs to n mean x1 t t होगा x2 t t raised to power 2 होगा t raised to power 3 so इस तरह के सारे then ये x के elements हैं. अगर हम इसका xn का norm लेते हैं तो ये maximum एक्स एन टी टी बिलोंग्स टू जे तो ये एक्स एन टी का मॉड का मतलब है टी एन का मॉड और टी एन का मॉड विद द चेंजिंग ऑफ टी बिलोंग्स टू जे. तो हम जीरो से वन में
क्योंकि इन एलिमेंट्स को पुट करते जाएंगे तो हम देखते हैं जीरो के वन में एलिमेंट्स कैसे होते हैं, वन ओवर टू, वन ओवर थ्री, वन ओवर फोर। अगर इनकी हम पावर्स लेंगे तो हमारे पास हर एलिमेंट पे को पॉलिनोमियल में रखने और उसके बाद उसकी वैल्यू लेके मॉड लेने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो कम आएगा। जैसे वन ओवर टू का वन ओवर पावर टू हो तो वन ओवर फोर हो जाएगा, यानी और जो क्वांटिटी है टोटल वो कम होती चली जाएगी, नंबर कम होता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही हम जीरो पे होंगे तो ये जीरो होगा, अदरवाइज ये जीरो और वन के दरमियान मजीद कम होता चला जाएगा और वन पे जाके ये आंसर मैक्सिमम देगा। जैसे ही वन पुट करेंगे टी पे तो वन की पावर एन, तो हमारे पास इसलिए इसका एक्स एन का नॉर्म हमारे पास आता है वन। और जब ये आफ्टर अप्लाइंग, यानी ये तो हमारे पास डोमेन की एक पॉलिनोमियल थी एन डिग्री की, जब इस पर टी अप्लाई कर देते हैं तो टी अप्लाई करने का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, उसका डेरिवेटिव ले लेना। हमने उसका डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव क्या आ गया, टी के एन का एन टी रेज टू पावर एन माइनस वन। तो अब हम इमेज का नॉर्म लेते हैं क्योंकि बाउंडेड नॉर्म में इमेजेस के नॉर्म को लेस और इक्वल टू होना चाहिए सी टाइम्स प्री इमेज के नॉर्म के। तो ये हमने इमेज इसकी निकाली जो कि ये आती है, इसका हमने नॉर्म लिया। इसका नॉर्म हमारे पास कैसे आएगा, एक्सेक्ट उसी फॉर्म में आएगा। एक तो एन नॉर्म से बाहर आ जाएगा क्योंकि हमारे पास ये कॉन्स्टेंट नंबर है, टी रेस टू पार एन माइनस वन नॉर्म आ गया और टी रेस टू पार एन माइनस वन का नॉर्म फिर हमने वैसे ही लिया, यानी टी को जीरो से वन तक मूव किया और इसके आंसर्स दिए और उनमें से मॉडुलस वैल्यू में आंसर्स दिए और उनमें से मैक्सिमम चूज किया जो कि हमारे पास वन आता है वन पे। तो टी एन माइनस वन का नॉर्म आ गया वन, तो ये टोटल टी एक्स एन टी का नॉर्म हमारे पास आ गया एन। और अगर टी एक्स एन टी को हम डिवाइड करते हैं एक्स एन से तो ये इक्वल आ जाता है एन के, यानी अगर तो ये ऑपरेटर बाउंडेड होता तो टी एक्स एन टी का नॉर्म लेस और इक्वल टू आना चाहिए था सम पॉजिटिव नंबर टाइम से एन टाइम एक्स एन नॉर्म के। ये भी इसकी फॉर्म नजर आ रही है और लग रहा है शायद ये नॉर्म फाइनाइट हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे n आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, सिंस n बिलोंग्स टू n इज एन आर्बिट्रेरी, दिस शो दैट देयर इज नो फिक्स्ड नंबर c सच दैट tx नॉर्म ओवर x नॉर्म इज लेस और इक्वल टू c, या हम ये कह सकते हैं txn नॉर्म इज लेस और इक्वल टू c टाइम्स xn नॉर्म, क्योंकि डोमेन के हर एलिमेंट के पॉलीनोमियल स्पेस में उनकी इमेजेस का नॉर्म लेस और इक्वल टू नहीं है सम पॉजिटिव नंबर टाइम्स xn नॉर्म के। और ऐसा क्यों नहीं है, लग रहा है जैसे यहाँ पे ये नंबर अवेलेबल है लेकिन ये फिक्स नंबर नहीं है, जबकि हम बाउंडेड ऑपरेटर की डेफिनेशन में कहते हैं कि इनको एक नंबर होना चाहिए कि टी को डोमेन के तमाम एलिमेंट्स पे अप्लाई करके नॉर्म लें और विदाउट अप्लाई किए उसका नॉर्म लें, तो इमेजेस का नॉर्म लेस और इक्वल टू फिक्स नंबर टाइम्स प्री इमेजेस नॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे ये नंबर फिक्स नहीं है इसलिए ये operator, differential operator bounded नहीं है। So this is one of examples of an operator which is linear but not bounded. Second matrix operator है, देखें is equal to AJK matrix है जिसमें r rows हैं और n columns हैं। Defines an operator, ये Rn से R में एक rule define किया जा रहा है और ये rule क्या है, t of x is equal to y, x भी एक column हमारे पास है जिनमें n elements हैं और y एक column है जिसमें r elements हैं। तो ये जो कॉलम मैट्रिक्स है हमारे पास वेक्टर फॉर्म में, इस पे टी अप्लाई करने का से मतलब है ए एक्स, यानी ए मैट्रिक्स जो कि फिक्स है पहले से, फिक्स मैट्रिक्स दिया उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो ए के एलिमेंट से ही उसकी मल्टीप्लीकेशन बताई गई है। तो जाहिर है ये ईटा जे एलिमेंट्स आएंगे जो कि वाई के एलिमेंट्स होंगे आफ्टर अप्लाइंग टी ऑन एक्स, और वी कैन से आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए विद एक्स। तो ये जी के, ये भी अगेन कॉलम हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में, ईटा वन, ईटा टू और ईटा आर तक, वाई जो कि आर आर के एलिमेंट्स हैं, वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्साई जी एंड वाई इज इक्वल टू ईटा जी, आर कॉलम वेक्टर्स, आर कंपोनेंट्स और एक में हमारे पास है एन कंपोनेंट्स। तो टी इज बाउंडेड, तो टी को ये देखें एक्स हम एक एलिमेंट लिया और एक्स के एलिमेंट पे पहले तो हम देखते हैं कि आर एन पे हमारे पास कौन सा नॉर्म होता है। तो आर एन पे हमारे पास ये वाला एक नॉर्म अवेलेबल होता है जिसको हम जनरली बोलते हैं कि फ्रॉम वन टू एन, यानी कि जो जिस वेक्टर का नॉर्म लेना हो उसके अगर आर कंपोनेंट होंगे तो उन कंपोनेंट्स के मॉड का स्क्वायर और उनका सम और टोटल जो आंसर आए उसकी वन ओवर टू स्क्वायर रूट लेते हैं।
है नॉर्म, इस नॉर्म के मुताबिक आर आर में भी यही होगा, सिर्फ कंपोनेंट्स की तादाद के वन से एन है तो वहाँ पे के या जे जो भी कंपोनेंट के यूज है वन से लेके आर तक यूज हो जाएंगी। तो हमने टी अप्लाई करके भी एक्स पे नॉर्म लेना है और विदाउट अप्लाइंग टी भी नॉर्म लेना और उनके दरमियान रिलेशन चेक करना है कि बाउंडेड का रिलेशन हमारे पास डेवलप होता है या नहीं। तो देन टी इज बाउंडेड और हम उसके उसके उसकी एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। देखें टी एक्स नॉर्म हमारे पास किसके होगा, टी एक्स वाई के इक्वल वाई का नॉर्म होगा और वाई का नॉर्म हमारे पास किसके इक्वल होगा, उसके कंपोनेंट्स के मॉड के स्क्वेयर के और फिर उनके सम के और टोटल सम का लेते हैं स्क्वेयर रूट, क्योंकि इधर नॉर्म का इधर से स्क्वेयर लिया गया है इसलिए इधर स्क्वेयर रूट जो है वो नहीं लिखा जा रहा। तो भी इसी तरह इसके नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ईटा जे को एक्सप्लेन किया जा रहा है क्योंकि ईटा जे हमारे पास था एक्चुअली वाई वेक्टर के कंपोनेंट्स था, वाई वेक्टर बनता था ए को एक्स के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से, ए और एक्स हमारे पास जो मैट्रिक्स थे उनकी मल्टीप्लीकेशन को कंपोनेंट वाइज ये शो किया जा रहा है अंदर, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट जो है ए मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के एक्स के एलिमेंट के साथ, वाई का एलिमेंट बन रहा है इसलिए हम अकॉर्डिंगली ये वेरिएशन लिख रहे हैं। इस टोटल पे जे है वन से लेके आर तक और यहाँ पे के की मूवमेंट यानी एक्स के एलिमेंट्स की मूवमेंट जो बताई जा रही है वो हमारे पास एक्स क्योंकि आर एन से था तो ये के वन से एन तक है बाय वन। अगेन इसके अंदर हमने ये देखें दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये है के वन से एन और इसमें भी के वन से एन है, तो यहाँ पे काशी श्वार्ज इनइक्वालिटी को हम अप्लाई करते हैं फॉर पी इज इक्वल टू टू। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया कि समेशन ऑफ फर्स्ट जो कंपोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर की टोटल रेज टू पावर 1 ओवर 2 और सेकंड के स्क्वायर टोटल रेज टू पावर 1 ओवर 2 बाय यूजिंग द श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ये स्क्वायर जो है ये यहीं से हम ले रहे हैं, यहाँ से वैसे का वैसे ही आ रहा है। तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया, स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो ये वाली इसकी फॉर्म हमारे पास बन जाती है। स्मेशन वगैरह हमने अप्लाई कर दिए इसमें क्योंकि हमारे पास जे इन्वॉल्व नहीं है तो ये स्मेशन इसी पे रहेगा और यहाँ पे जे और के दोनों इन्वॉल्व हैं तो इसमें जे वाला स्मेशन भी है और के वाला भी है। तो ये हमारे पास ये जो है ये पार्ट एग्जैक्टली एक्स का नॉर्म बन गया, एक्स के नॉर्म का स्क्वायर बन गया क्योंकि एक्स का नॉर्म होता था इसका स्क्वायर रूट, तो एक्स के नॉर्म का स्क्वायर बन गया और एक टोटल एक नंबर हमारे पास निकलेगा आफ्टर एडिंग दिस ऑल कंपोनेंट्स जिसको हमने सी स्क्वायर का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास है टी एक्स नॉर्म स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स नॉर्म स्क्वायर। एक्चुअली ये तो कोई एक नंबर निकलेगा, हमने फर्जी तौर पे उस स्क्वायर का जस्ट इसलिए नाम दिया कि हम स्क्वायर को कैंसिल करें स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाए। ये फॉर्म ना भी बने तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल इस टोटल नंबर को अगर हमें सी भी कह दूँ तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट से टू कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सी का स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट भी एक पॉजिटिव नंबर ही, हमारे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव ही होता है सो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये डेफिनेशन बन गई हमारे पास बाउंडेड ऑपरेटर की। तो ये हमारे पास बाउंडेड ऑपरेटर की कुछ एग्जाम्पल्स थी, हमने तीन एग्जाम्पल्स दी बाउंडेड ऑपरेटर की और एक एग्जाम्पल दी डिफरेंशिएशन ऑपरेटर वाली जो कि लीनियर है लेकिन बाउंडेड नहीं है। सो इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स एक रिजल्ट है थ्योरम फाइनाइट डायमेंशन, हमारे पास मेन टॉपिक जो था फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्स डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने इक्विवेलेंट नॉर्म्स कॉम्पैक्ट स्पेस बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया और उनको फिर फाइनाइट डायमेंशन के साथ रिलेट करके चेक किया। तो यहाँ पे भी हम इसको चेक करते हैं कि स्पेस फाइनाइट हो तो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स का या क्या बिहेवियर होता है। इफ़ अ नॉर्म स्पेस x इज फाइनाइट डायमेंशनल देन एवरी लीनियर ऑपरेटर ऑन x इज बाउंडेड। नॉर्मल अगर कोई स्पेस हो और उस पर एक ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर अप्लाई हो रहा हो तो वो बाउंडेड हो भी सकता है और नहीं भी, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑपरेटर जो था वो बाउंडेड नहीं था। लेकिन अगर हमारे पास स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल हो तो ये गारंटी दी जा रही है बाय दिस रिजल्ट कि हर ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर जो फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस पे अप्लाई होगा वो बाउंडेड होगा। सो इसका प्रूफ चेक करें, क्योंकि स्पेस हमारे पे फाइनाइट डायमेंशनल है, सपोज करते हैं हम कि इसकी डायमेंशन n है एंड लेट e1 e2 en बी बेसिस फॉर x बिकॉज डायमेंशन ऑफ x इज n, लेट x बिलोंग्स टू x देन बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस एवरी एलिमेंट ऑफ x कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर्स।
so there is a scalars xij j from 1 to n, similar number as 1 to n. So in xijs ka aur en ke linear combination ki form mein x ko likha ja sakta hai, because this set is basis and x is one of element of x. Now consider any linear t on x, to t ko hum is x pe idhar bhi apply kar de hote hain aur idhar bhi, aur apply karne ke baad image ka idhar bhi norm le lete hain aur idhar bhi. To idhar t ko linear hai to t andar shift ho jayega. हमारे पास ये सम है और सम ऑफ फैक्टर्स पे जब लीनियर ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होता है फर्स्ट फैक्टर पे टी अप्लाई करना, सेकंड पे और थर्ड पे. तो ये टी इसके अंदर हमारे पास चला गया, स्केलर्स बाहर आ गए. नो हम नॉर्म की नेक्स्ट स्टेप में प्रॉपर्टी इनक्वालिटी यूज करते हैं कि हमारे पास कुछ फैक्टर्स के सम का नॉर्म लेस और इक्वल टू होता है उनके सेपरेट नॉर्म्स के सम के, और साथ ही साथ हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि अल्फा इनटू सम वेक्टर्स नॉर्म इज इक्वल टू अल्फा मॉड इनटू वेक्टर्स नॉर्म. तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ गई. अब इनमें हम समेशन जे फ्रॉम 1 टू n xij मॉड ये हम सेपरेट कर लेते हैं, और मैक्सिमम यानी इस पार्ट को हम सेपरेट कर लेते हैं, और ये और TE1 norm और TE2 norm और TEn norm, इनमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पे यूज करते हैं. जब हम सम में लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा हो और स्केलर में से मैक्सिमम नंबर चूज करें तो इनइक्वालिटी जनरेट हो जाती है. अब हम लेमा यूज करते हैं कि अगर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास सेट हो और एक नॉर्म स्पेस हो तो एक पॉजिटिव नंबर सी एग्जिस्ट करता है, सच दैट फॉर एवरी चॉइस ऑफ स्केलर्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन वी हैव, ये हम बार बार यूज कर चुके हैं तो उसको रिपीट. इसमें सिर्फ ये देखें कि यहाँ पे अल्फाज की जगह ऊपर एक्स, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन है हमारे पास एक्साई वन ई वन एक्साई टू एन एक्साई एन ई एन का, तो हमारे पास स्केलर्स की जगह पे इस लेमा में एक्साई जेस आ जाएंगे और एक्स जेस की जगह पे ई जे आ जाएंगे. तो हमने इस डायरेक्टली इसको यूज कर रहे हैं, समेशन जे फ्रॉम वन एक्साई जे इज लेस और इक्वल टू वन और सी टाइम्स एक्स नॉर्म. ये हमारे पास ये एक्स नॉर्म आ गया, सो वन बिकम्स, तो इसको हम वन के साथ रिलेट करते हैं कि टी एक्स नॉर्म इज लेस और इक्वल टू था मैक्सिमम ऑफ टी ई जे नॉर्म्स, और यहाँ पे हमारे पास था समेशन जे फ्रॉम वन टू एन एक्साई जे, और क्योंकि समेशन वन जे फ्रॉम वन टू एन एक्साई जे मॉड ये हमारे पास लेस और इक्वल टू है वन और सी टाइम्स एक्स नॉर्म के, तो इसकी जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया. T of x norm, this implies T of x norm is less or equal to the maximum of T of e j norm. ये सारा कोई नंबर निकलेगा, हमने सपोज किया कि नंबर के है, तो T x norm is less or equal to k times x norm, so T is bounded. तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की कुछ एग्जांपल्स की, कुछ ऐसे ऑपरेटर्स की जो कि बाउंडेड हैं और उनका हमने नॉर्म भी निकाला, और ऐसी ऑपरेटर की भी एग्जांपल दी लाइक डिफरेंशियल ऑपरेटर जो लीनियर है लेकिन बाउंडेड नहीं है. फिर हमने एक रिजल्ट प्रूव किया कि अगर तो स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल नहीं है तो कोई लीनियर ऑपरेटर उस पर बाउंडेड हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन अगर ऑपरेटर जो है लीनियर है और स्पेस जिस स्पेस पे ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है लीनियर ऑपरेटर वो अगर हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल है तो ऑपरेटर लाजमी बाउंडेड भी होगा, और इसका हमने प्रूव दिया. ये स्टूडेंट आपका लेक्चर था, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. कोई क्वेश्चन हो तो सर.